Like a Hellcat. Hello, welcome back to my channel Arpita Sinha. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस कुर्ती के साथ मेकअप कैसे कर सकते हैं, और ये कुछ अलग ही वीडियो होने वाला है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे मेकअप करूँगी कैसे नहीं करूँगी. बस मैं ट्राई कर रही हूँ, इतना ज़्यादा कलरफुल मेकअप करूँगी, देखते हैं क्या होता है. चलो स्टार्ट करते हैं. मैंने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है मेकअप के लिए, और ये वीडियो अलग से आएगा, पता नहीं इसके बाद आएगा या पहले आएगा, लेकिन मैंने स्किन पे क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं वो मैंने अच्छे से कर लिए हैं. चलो सबसे पहले हम पर्पल का ट्राई कर रही हूँ प्राइमर. ये बहुत अच्छा प्राइमर है, जहाँ जहाँ आपको पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ लगा सकते हो इसको, आँखों के ऊपर भी लगा सकते हो क्योंकि हमें आँखों के ऊपर भी तो मेकअप करना है. मैं ब्राउज को फिल कर लेती हूँ. अब ब्राउन कलर की पेंसिल से ही आप ब्राउन शेड लीजिए अपने आई पैलेट से, या ब्राउन कलर की पेंसिल यूज़ करिए, ब्लैक मत यूज़ करिए क्योंकि मेरे ब्राउज पहले से बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मैं ब्लैक करके और ज़्यादा वो नहीं करूँगी. तो मैं सिंपल, ये NYBA की पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल, आप भी ट्राई कर सकते हैं उसको. अपने मैंने आईब्रोज चेक कर लिए हैं, अभी मैं डार्लिंग इज़ाबेला का कंसीलर यूज़ करूँगी, अपनी एजेस को अच्छे से क्लीन करूँगी. फ्लैट ब्रश से इसको पूरा स्प्रेड कर लूंगी. ये मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरे आईब्रोज एकदम क्लीन लगे. मैं अपनी आंखों को अच्छे से कंसील कर लिया, अपने ब्राउज को देखिए कितने अच्छे शार्प लग रहे हैं. अभी मैं अपने कंसीलर को डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी, कोई भी हार्श लाइन ना रहे. ये लैक्मे का पाउडर है. ये मैं शिवाना की पैलेट लूंगी, इससे मैं थोड़ा ये वाला अपनी क्रीज को डिफाइन करने के लिए. ये बहुत पिगमेंटेड पैलेट है, आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. बिल्कुल हल्के हाथ से. इसके बाद मैं ब्यूटी क्लेस की ये आई पैलेट लूंगी जो ग्रीन है, क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ ये जा रहा है, और ये मेरे को अपने आउटर वी पे लगाना है. बस इसको थोड़ा मिड तक कर लेंगे ऐसे ही. लो शेड लूंगी. देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार. इसको मैं ग्रीन कलर के साथ थोड़ा मर्ज कर लूंगी.
ये एक शिमरी शेड है, जहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया है उसके सेंटर में मैं लगाऊंगी ये कलर लेके, ऑरेंज शेड, अपनी क्रीज को अच्छे से डिफाइन करूंगी। क्रीज बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा कलर ना बाद में लाइनर लगाऊंगी। ये पर्पल का लाइनर है, बहुत अच्छा लाइनर है, ये थोड़ा हैंडी है और लगाने अप्लाई करने में बहुत इजी है। सेम ग्रीन कलर में लेके अपनी लोअर लैश पे लगाऊंगी, इससे क्या होगा थोड़ा आंखें पॉप अप होंगी। स्टे कोकी का काजल, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा। आई नो थोड़ा कलरफुल है, मैंने पहली बार ट्राई किया है, इतना कलरफुल मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसके बाद मैं वेला वोस्टे का स्कारा यूज करूंगी। मेरी आईज डन हो चुकी हैं, अब मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी, जो भी फॉल आउट हुआ है। जब आप इतने कलर्स फेस पे अप्लाई करते हो तो मैं सजेस्ट यही करूंगी आप फेस मेकअप बाद में ही करिए, वो बेटर है, क्योंकि तो आपके पूरे बेस को ये खराब कर सकता है। मैं दोबारा अप्लाई करूंगी अपने फेस के। अपनी बिंदी निकालना भूल गई, सॉरी। Lakme इनविजिबल फिनिश, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपना फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी इज़ाबेला का ही कंसीलर अपनी हाइलाइटिंग के लिए यूज करूंगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूंगी। Lakme का कॉम्पैक्ट से पूरे अपने बेस को सेट करूंगी। ये मैं ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकती हूँ, बहुत अच्छी और अफोर्डेबल है। ये आपके मेकअप को लॉक कर देगा और लॉन्ग लास्टिंग आपका मेकअप रहेगा। मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट लूँगी, इसी पैलेट से मैं कंटूरिंग भी करूँगी अपनी। वो लाइन को भी अच्छे से कंट्रोल कर लूंगी, नोज को भी। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग के लिए, तो ये मैं स्विस ब्यूटी का यूज कर रही हूँ। ये फर्स्ट शेड लेके मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी, नीचे नोज,
अपने चिन को। ये आपको बहुत नेचुरल सा ग्लो देगा, ये नहीं कि इसमें बहुत चंकी पार्टिकल्स है, देखिए बहुत सटल सा ग्लो देगा। मैं मेबलिन की शेड नंबर 08 आई गेस यही नंबर है इसका, ये मैं अपने सूट के साथ ही मैचिंग पिंक लगाऊंगी और ये पैरेट ग्रीन है। दिस इज माय फाइनल लुक। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।